नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। स्वागत है हमारे एजुकेशनल चैनल एडुपीडिया 700 पर। और टुडे इन हिस्ट्री सीरीज में आज हम 5 जुलाई की महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। 5 जुलाई को भारत और विश्व में ऐसी कई घटनाएं हुई जिनका इतिहास के पन्नों में नाम दर्ज है, और अक्सर आप सभी ने इतिहास के विषय में बहुत सारी ऐसी ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में पढ़ा होगा जो 5 जुलाई के इतिहास से संबंधित हो। तो आइए जाने देश और दुनिया के इतिहास में आज के दिन 5 जुलाई को क्या क्या घटनाएं हुई थी। आज ही के दिन 1946 को द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति पर फिलीपींस को मुक्त किया गया विश्व की सर्वोत्तम शक्ति यूएसए के द्वारा, और उन्हें आजादी दी गई। 1935 में आज ही के दिन यूएसए के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा राष्ट्रीय श्रम संबंध अधिनियम, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में श्रमिक संबंधों को नियंत्रित करता है, इनके द्वारा इस कानून में हस्ताक्षर किए गए, और इसमें श्रमिकों को काफी सहूलियतें दी गई और काफी शोषण के विरुद्ध लड़ने के अधिकार दिए गए। 1954 में आज ही के दिन बीबीसी ने अपना पहला टेलीविजन समाचार बुलेटिन प्रसारित किया, और इससे पहले समाचार बुलेटिन में 20 मिनट का बुलेटिन दिया गया, और इसको प्रस्तुत करने वाले प्रथम व्यक्ति बने रिचर्ड बेकर। 1962 में आज ही के दिन अल्जीरिया को स्वतंत्रता मिली फ्रांस से। 1971 में आज ही के दिन संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन द्वारा वोट देने के अधिकार में संशोधन किया गया, और ये संयुक्त राज्य संविधान में 6ठा संशोधन था। इसमें वोट डालने की जो न्यूनतम आयु थी वो 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। 1977 में आज ही के दिन पाकिस्तान में सैन्य विद्रोह हुआ, और इस सैन्य विद्रोह को ऑपरेशन फेयर प्ले के नाम से जाना जाता है, और इसमें पाकिस्तान के पहले निर्वाचित प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो का तख्ता पलट दिया गया था। आज के दिन 2016 में नासा का अंतरिक्ष यान जूनो बृहस्पति ग्रह की कक्षा में पहुंच गया, और बृहस्पति ग्रह के चार ओर जो सघन बादल हैं उनके अंदर क्या है और उन सभी चीजों का अध्ययन करने के लिए इस अंतरिक्ष यान जूनो को बृहस्पति ग्रह की कक्षा में भेजा गया था। 1995 में आज ही के दिन भारत के प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी, आप सभी जानते हैं, पीवी सिंधु जी का जन्मदिन है आज, और इनका पूरा नाम पुरुसल्ला वेंकटा सिंधु है, और ये भारतीय प्रोफेशनल बैडमिंटन प्लेयर हैं। 2016 के समर ओलंपिक्स में इन्होंने ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। अब तक दो भारतीय महिलाओं ने, बैडमिंटन प्लेयर्स ने, ओलंपिक मेडल को जीता है। इनमें से एक पीवी सिंधु जी हैं और दूसरी साइना नेहवाल जी हैं, और मार्च 2015 में ये सबसे कम आयु की खिलाड़ी बनी जो कि भारत के चौथे हाईएस्ट सिविलियन ऑनर पद्मश्री को प्राप्त करने वाले। बहुत बहुत बधाई हो पीवी सिंधु जी आपके जन्मदिन की। आज ही के दिन 1877 में अंग्रेजी भाषा के सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा संपन्न कवियत्री और ट्रांसलेटर तोरु दत्त जी का निधन हुआ था। वो बंगाली ट्रांसलेटर थे और एक कवियत्री थी। इन्होंने अंग्रेजी और फ्रेंच भाषा दोनों में ही काफी लिखा, और इनके प्रमुख कुछ काव्य संग्रह हैं, ए शीप क्लीन इन फ्रेंच फील्ड्स, एंशिएंट बैलेड्स एंड लीजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान। ये असामयिक मृत्यु इनकी 21 वर्ष की अल्पायु में ही हुई, इसलिए कभी कभी इनको जॉन कीट्स, जो इंग्लिश पोइट हैं, उनसे भी इनकी तुलना की जाती है। आज ही के दिन 1957 को भारतीय स्वतंत्रता सेनानी
एवं शिक्षक वकील राजनीतिज्ञ अनुग्रह नारायण सिन्हा जी का निधन हुआ। इनको आधुनिक बिहार का निर्माता भी कहा जाता है क्योंकि ये पहले डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे और वित्त मंत्री बने आजाद भारत के बिहार प्रदेश के। धन्यवाद दोस्तों, ये थे आज के इतिहास, आज यानी कि 5 जुलाई को इतिहास की कुछ घटनाएं जो घटित हुई उसका छोटा सा संकलन था। आपको ये संकलन कैसा लगा कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके जरूर हमें बताएं और हम इसमें क्या क्या सुधार कर सकते हैं वो भी आप बताएं। कल हम फिर हाजिर होंगे 6 जुलाई के हिस्ट्री टुडे इन हिस्ट्री के साथ। तब तक के लिए बने रहें हमारे एजुकेशनल चैनल पर। धन्यवाद। जय हिंद।